गुड मॉर्निंग गाइज, अगेन वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज मेरा 25वां दिन है यहाँ यूरोप में। इस टाइम मैं इंटरलेकन स्विट्ज़रलैंड में हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेन स्टेशन आया हूँ। यहाँ से मैं लूजर्न जाऊँगा, एक और शहर है, यहाँ से 2 घंटे दूर है ट्रेन के थ्रू। तो वहाँ मैं जा रहा हूँ, रास्ते में बहुत अच्छी सीनरी मिलेगी अगर मौसम अच्छा हुआ तो, आपको मैं वो भी दिखाऊँगा। और मैंने बहुत सुना हुआ है ये ट्रेन्स का, स्विट्ज़रलैंड के ट्रेन्स का, तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ अंदर से भी और जो जर्नी है वो भी। और इसका टिकट जो है इतना एक्सपेंसिव मुझे नहीं पड़ा है। यहाँ से 2 घंटे है लूजर्न के लिए, तो मुझे ये सिर्फ 13 यूरो का पड़ा है। और ये मैंने बुक किया है, एक एप्लीकेशन है ओमियो, जिससे आप पूरे यूरोप के अंदर जो है ट्रेन जो है बुक कर सकते हैं जस्ट 10-20 सेकंड्स के अंदर। तो ये तो मुझे फिर भी 13 यूरो का पड़ा है, लेकिन लूजर्न से जो ज्यूरिख में जाऊँगा दूसरी ट्रेन है वो मुझे सिर्फ 5 यूरो का पड़ा है। तो अमेजिंग है ये प्राइस। और बाकी ये बहुत खूबसूरत शहर है, इसमें 2 स्टेशन है, एक ओस्ट है एक वेस्ट है, करीब करीब है क्योंकि शहर इतना बड़ा नहीं है, छोटा है। अभी मैं ओस स्टेशन से जाऊंगा और सारा ये प्रोसेस आपको दिखाऊंगा। अंदर मैं बैठ गया हूँ और ट्रेन अभी चल रही है और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार, वंडरफुल। इसकी सीटिंग जो है बहुत मतलब खुली हुई सीटें हैं, बड़ी सीटें हैं, आराम से बैठ सकते हैं, लेग रूम भी अच्छा है और साथ में ट्रे वगैरह है सीटों के दरमियान, तो आप वहाँ पे कुछ पक्का पी भी सकते हैं अगर आपके पास कुछ खाना माना है। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है मेन्यू भी है, जो अगर आप कुछ यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह स्नैक्स वगैरह लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। और ये ट्रेन मैंने इसलिए सेलेक्ट की है स्विट्ज़रलैंड में क्योंकि यहाँ मैंने सुना था ट्रेन बहुत अच्छी है, तो इसलिए मैंने कहा ट्रेन से मैं ट्रेवल करूँगा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और बेसिकली इसकी सबसे जो अच्छी चीज़ है ना वो ये बीच में सीनरी, जब आप ट्रेवल करते हैं ना स्विट्ज़रलैंड के अंदर ट्रेन से, तो ये जन्नत के नज़ारे हैं। मेरा हाथ नहीं हट रहा कैमरे से, मतलब कैमरा बार बार उठा के ना मैं यहाँ पे क्लिप्स ले रहा हूँ तो हाथ नहीं हट रहा। बाकी जो है अभी आगे सिर्फ 2 घंटे की ट्रेन है यहाँ से लूजर्न तक, तो बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये, बीच में रास्ते आते हैं यहाँ देखिए।
बाहर तो बहुत सर्दी थी लेकिन अंदर हीटर लगा हुआ है तो गर्म है इसलिए, और अभी बाहर बारिश भी शुरू हो गई है, अभी ये ऊपर चल रही है पहाड़ों में। तो अभी आपको दिखाता हूँ इसका वॉशरूम कैसा है। क्या बात है यार, ये है इसका वॉशरूम, पानी की जगह, टॉयलेट, और ठीक है काफ़ी बड़ा है। नीदरलैंड में थोड़ा इससे भी बड़ा था लेकिन ये भी सही है, आराम से इसमें खड़ा होके अपना काम कर सकता है और फिर ईजी होके ना। तो मैंने कहा चलो ये भी आपको दिखा दूँ। ट्रेन लुजर्न पहुंच चुकी है 2 घंटे के बाद। और ये है लुजर्न का ट्रेन स्टेशन।
अभी मैं ढूंढ रहा हूँ बाहर जाने का रास्ता, और फिर आपको बताता हूँ, रिव्यू देता हूँ कैसी जर्नी रही है। वाह भाई वाह, क्या बात है यार इस जर्नी की, पता भी नहीं चला, बहुत स्मूथ गई ये 2 घंटे की जर्नी, पता भी नहीं चला और मैं पहुँच गया लुजर्न। ये स्विट्ज़रलैंड का एक और शहर है, और बेसिकली रास्ते में ना आपको बहुत खूबसूरती मिलेगी अगर आप इस ट्रेन को यूज़ करते हैं, स्विट्ज़रलैंड की ट्रेन को। वैलीज होंगे, लेक्स है ब्यूटीफुल खूबसूरत, चारों तरफ जो है वो है पहाड़ है ग्रीन, और गांव है खूबसूरत, घर है ये स्विट्ज़रलैंड के लोगों के। तो बहुत ही ज़बरदस्त रहा ये सफ़र, लेकिन आपको अच्छा व्यू नहीं दे सका, उसकी वजह ये थी कि मौसम सही नहीं था, बीच में बारिश हो गई, आपने देख लिया वो शीशों के ऊपर जो है पानी आ जाता है ट्रेन के, तो उस वजह से आपको सही वो व्यू नहीं मिला। अगर धूप होती ना और सही रोशनी होती तो 100 times बेटर ये व्यू होता और ये वीडियो अच्छी बनती, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि आपको दिखा सकूँ। अगर आप आते हैं कहीं गलती से यहाँ पर, तो आपने जून जुलाई में आना है, आपको सही मौसम मिलेगा। और इस तरह पाकिस्तान में भी वो सवात और कुमरात वगैरह है, जगहें बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन वहाँ पे रोड्स ही नहीं बने हुए। इन लोगों ने तो पहाड़ों के बीच में से दुश्वार गुजार रास्तों में जदीद ट्रेन के लिए वो बनाया हुआ है, तो भाई इन लोगों को शाबाश है मेरी तरफ़ से। लेकिन वहाँ पे हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है हुकूमत वाला, तो वहाँ पर भाई सिर्फ रोड्स ही बना दो, क्योंकि लोग यहाँ स्विट्ज़रलैंड तो नहीं आ सकते, लेकिन सवात वगैरह तो जाएँगे ना, कुमरात वगैरह, तो उसके रोड्स अगर अच्छे हो तो फिर ज़्यादा जाएंगे। और इस बात को पॉजिटिव लेना आप सब। थैंक यू वेरी मच गाइज, अब यहाँ लुजर्न आया हूँ तो यहाँ पे भी खूबसूरती बहुत है, ये भी आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। बाय फॉर नाउ।